नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों हम एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने IPL 2020 की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जब पिछली बार सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम्स आपस में भिड़ी थी तो क्या कुछ घमासान हुआ था। तो जितने भी IPL फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं वो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक ठोको और यहाँ कहीं नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करो। तो दोस्तों IPL 2020 के शुरू होने में अब केवल और केवल 2 घंटे का समय बीच में रह गया, जहाँ पर 6 बजे से फोर्थ अंपायर जो है वो यहाँ पर हमारे बीच जुड़ जाएंगे। और मैच बात करें पहले मैच की, तो पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और रनर अप चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाने वाला है। लेकिन दोस्तों हम बात करेंगे पिछले साल की, जब हैदराबाद और आरसीबी की टीम्स आमने सामने हुई थी, तो और आपको बताएंगे कि आरसीबी ने किस तरह से अपना बदला बेंगलोर में लिया। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों दिन था 31 मार्च 2019, जब आरसीबी के सामने थे सनराइजर्स हैदराबाद और केन विलियमसन की कप्तानी वाली टीम, जहां पर ये मुकाबला SRH के घर में था और टॉस यहां पर जीता था विराट कोहली ने और पहले मेज़बान टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। जब जहां पर दोस्तों इस टीम की तरफ से ओपन करने आए डेविड एक्सप्लोज वार्नर और जॉनी अनस्टॉपेबल बेस्ट, और दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी उस साल काफ़ी तगड़ी फॉर्म में भी नज़र आ रहे थे, जहां पर इन दोनों ने एक तगड़ी शुरुआत देना शुरू किया और देखते ही इन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों को इतना धोया कि तीसरे विकेट के लिए इन्होंने 185 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी कर डाली, और दोस्तों वो भी केवल 16.2 ओवर में, जहां पर दोस्तों जॉनी बेस्टो 56 गेंदों में 114 रन बनाकर आउट हुए और यूजी चहल जो कि आरसीबी के मेन गेंदबाज हैं उन्होंने ही बेस्टो को चलता किया। लेकिन दोस्तों ये मैच विकेट ये विकेट जो है वो काफ़ी लेट आया, जहां पर बेस्टो आउट होने से पहले तबाही मचा चुके थे और इस पारी में उन्होंने 12 चौके और 7 तूफानी और गगनचुंबी छक्के जड़े। और दोस्तों इनका स्ट्राइक रेट रहा 203 का। अब दोस्तों दिक्कत यहीं पर ख़त्म नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि अभी पारी की 22 गेंदें बची हुई थी तो टीम को एक बड़े टोटल पर भी ले जाना था और वार्नर ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और उन्होंने 55 गेंदों में शतक ठोक डाला और 20 ओवर में SRH की टीम 231 रन बना पाई। अब दोस्तों आरसीबी की तरफ से केवल मोइन अली और मोहम्मद सिराज थे जिनको 10 से नीचे की इकोनॉमी पड़ी, यानी कि 9.5 के करीब की इकोनॉमी ले, और बाकी कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जिसको 12 या 14 की इकोनॉमी से रन ना पड़े हों। बाद में दोस्तों आरसीबी की बैटिंग आती है और ओपन करने इस बार आते हैं शिमरॉन हेटमायर और पार्थिव पटेल, जहां पर आरसीबी को पावर प्ले में ही 3 झटके हेटमायर, पार्थिव और AB डिविलियर्स के रूप में लग जाते हैं। और 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर विराट कोहली भी पवेलियन लौट आते हैं और स्कोर रहता है 30 रन पर 4 विकेट। और यहां से आरसीबी की टीम और उनके सभी खिलाड़ी आशा छोड़ देते हैं कि यहां से मैच जीता जा सकता है। और दोस्तों पूरी आरसीबी की टीम 19.5 ओवर में 113 रन पर ऑल आउट हो जाती है और एक बड़ी जीत यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम दर्ज करती है, जहां पर मोहम्मद नबी वो गेंदबाज रहे जिन्होंने आरसीबी को नेस्तोनाबूद किया। यहां पर उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट विकेट लिए, जिसमें ABD विराट जैसे खिलाड़ियों का विकेट था। और दोस्तों सबसे बड़ी कमी यहां पर आरसीबी की निकल कर आई कि ये टीम कितना ABD और विराट पर डिपेंड करती है, अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर पूरी टीम जो है वो बिखर जाती है। उम्मीद है कि इस साल वो गलती आरसीबी नहीं दोहराएगी। वहीं पर दोस्तों बारी थी बदले की और एक बार फिर से दिन था 4 मई 2019 और सीजन का आखिरी मुकाबला और मैदान था गेंदबाजों का कब्रिस्तान माना जाने वाला M चिन्ना स्वामी, यानी कि बेंगलोर अब अपने घर में था और टॉस जीतकर एक बार फिर से विराट ने गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन इस बार SRH की ओपनिंग में वार्नर नहीं थे, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ऑस्ट्रेलिया लौट आए थे और उनकी गैर मौजूदगी में रिद्धिमान साहा के साथ में मार्टिन गप्टिल ने ओपन किया, क्योंकि बेस्टो भी नहीं थे। और दोस्तों हैदराबाद की टीम ने पावर प्ले का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, जहां पर उनका पहला झटका उनको लगता है 4.3 ओवर में साहा के रूप में, जहां पर साहा आउट हुए हैं, उमेश यादव ने ये झटका दिया। इसके बाद दोस्तों 7.5 ओवर में मनीष पांडे, 13.5 ओवर में विजय शंकर और 15.5 ओवर में यूसुफ पठान आउट होते हैं। और इसके बाद ही 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी भी आउट हो जाते हैं और 17 ओवर में SRH का स्कोर 137 पर 6 विकेट था। लेकिन इनके कप्तान केन विलियमसन अभी भी क्रीज पर मौजूद थे और उनके उखंदों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि बाकी बची हुई 18 गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है वो बनाया जाए। और यहाँ पर दोस्तों विलियमसन ने ऐसा ही किया, उन्होंने उमेश यादव के आखिरी ओवर में 28 रन लेकर
इस टोटल को 175 तक पहुंचा दिया। यानी कि 19 ओवर तक एसआरएच का स्कोर जो है वो 147 रन था और आखिरी ओवर में उनका स्कोर 175 तक पहुंच गया और आरसीबी के सामने 176 रनों का बड़ा लक्ष्य जो है वो रखा गया। अब दोस्तों आरसीबी की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर को 3 विकेट मिले, नवदीप सैनी को 2 विकेट और यूजी चहल और कुलवंत खेजरोलिया को 1-1 विकेट मिला। अब दोस्तों बारी थी बदले की और आरसीबी का रिकॉर्ड वैसे ही घर में खराब रहता है, तो इसीलिए इस बार इनके कप्तान विराट कोहली और पार्थिव पटेल ओपन करने आते हैं, लेकिन पार्थिव बिना खाता खोले ही आउट हो गए और विराट 16 रन पर 2 चौके और 1 छक्का लगाकर आउट हो गए। इतना ही नहीं दोस्तों, एबीडी भी 1 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए और आरसीबी के फैंस एक बार फिर से मुसीबत में आ गए। उनके जो दिल जो है वो जोरों से धड़कने लगा कि अब यहाँ पर क्या होगा। लेकिन दोस्तों फिर टीम की नैया को पार लगाने के लिए आए शिमरन हेटमायर और गुरकीरत सिंह मान, और दोस्तों इन्होंने फिर मोर्चा संभाला और हेटमायर ने इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 75 रन बना डाले और इस दौरान इनके बल्ले से 4 चौके और 6 छक्के निकले। वहीं पर दोस्तों गुरकीरत ने भी 65 रनों की पारी खेली जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल था और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी मैच को आसानी से निकाल ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी मैच में एक ट्विस्ट बाकी था। 17.4 ओवर में हेटमायर और 18.2 ओवर में गुरकीरत आउट हो गए और अभी भी टीम को ज़रूरत थी 10 गेंदों में 9 रन की, जो कि T20 में काफ़ी आसान होता है और यहाँ पर लग रहा था कि आरसीबी काफ़ी जल्दी ये मैच जीत जाएगी। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर जब वॉशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए तब यहाँ पर आरसीबी फैंस का दिल जोरों से धड़कने लगा और टीम को 9 गेंदों में 8 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थे उमेश यादव और कॉलिंडी ग्रैंडहोम, यहाँ पर एक और विकेट और आरसीबी मैच में फंसता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मुकाबला जो है वो कांटे का देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर उमेश यादव ने 20वें ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में मोहम्मद नबी को 2 चौके लगाकर मैच को आरसीबी के नाम किया और इसके बाद डगआउट में बैठे विराट कोहली का रिएक्शन देखने लायक था। और दोस्तों आरसीबी ने इस तरह से हैदराबाद की टीम से मिली हार का बदला अपने ही गढ़ में लिया। और लेकिन दोस्तों एक सच्चाई ये भी है कि अगर वार्नर और बेस्टो इस मैच में होते तो आरसीबी इस मैच में भी हार जाती, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 21 सितंबर को ये टीम क्या कमाल दिखा पाती है। दोस्तों आपको आईपीएल के हर मैच के लिए हर खबर हमारे चैनल पर मिलने वाली है, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। धन्यवाद। Yeah.